विकास हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, यूपी में कुछ नहीं विकास, इधर तो आओ तो क्या बदलाव चाहोगे यूपी में? हाँ, कौन है बदलाव? बदलाव में अखिलेश यादव रहेंगे। अखिलेश यादव है, साइकिल चलेगी। युवाओं ने तो, युवाओं क्यों नाराज हो? क्योंकि सब भर्ती वर्ती सब कैंसिल हो जा रही है, रैली भर्ती निकली थी वो भी कैंसिल हो गई। अच्छा, इनकी सरकार में महंगाई बहुत ही काफी हो चुकी है, महंगाई का मुद्दा बहुत ही काफी बहुत ज्यादा। आज पेट्रोल 100-150 रुपए लीटर चली गई थी, फिर अब जा रही है 100 के क्रॉस होने वाली है। क्या गरीब इंसान अगर 500 रुपए रोज कमा रहे तो केवल खा जी सकता है, कोई काम नहीं कर सकता? शादी विवाह, लड़कों को पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे? बहुत ही काफी गरीबी इसमें है, इसलिए अखिलेश जी बेटर रहे। अच्छा, कह रहे महंगाई मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या ये सब मुद्दा है? पहले तो सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, यहाँ सांसद जी मोदी जी हमारे बनारस के जो हैं, मैं विद्यापीठ से पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ से, मैं 2017 में मैं बता रहा हूँ, हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी इतना बीजेपी डरती है, जब भी डरती है पुलिस तो सबसे पहले आगे करती है। आप जाके देख लीजिए, छावनी में तब्दील कर दिया विद्यापीठ कैंपस, कल रात को एक बैग आता है मोदी जी का स्पीच, चुनाव नहीं होगा। तो चुनाव क्यों नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। कैंट भी अभी बन रही है, रेलिंग बन रही है, ऑटोमेटिक सबकी दुकान ही चली जाएगी। जो दुकानदार रोड पे जो ठेले लगाते हैं, ये लोग गाड़ी लगाते हैं, आए दिन कहाँ लगाएंगे? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, एक एक मुद्दे में बताऊंगा, एक एक मुद्दे में बताऊंगा। ये लोग आज बोल रहे हैं मोदी अच्छे हैं, कल इन्हीं लोग मोदी को बोलेंगे, क्योंकि रीजन बता रहा हूँ, अगर जिस दिन रेलिंग बन जाएगी ना, इन लोग के गाड़ी कहाँ खड़ा होगा? आते हैं पुलिस वाले, गाड़ी चलान करके चले जाते हैं, चलान करके चले जाते हैं, तब यही लोग रोते हैं भैया चलान हो गया है। पुराने काम तो सब कुछ हो रहे हैं मोदी के सरकार में, 6000 रुपए आदमी कमाता है महीने का, 200 रुपए 150 रुपए पेट्रोल हो गया है, आदमी अपना घर चलाएगा, जिसके 5 बच्चे हैं उससे, जिसके 5 बच्चे हैं उससे जाके पूछिए क्या गुजर रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में लोग मर रहे थे भूखे, यही कैंट की स्थिति, लोग बोलते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, कमाल हो गई यूपी, उत्तम, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, युवाओं के लिए वो कुछ कर ही नहीं रहा है, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो गरीब और गरीब हो जाता जा रहा है, अस्तर और गिरता जा रहा है। क्या परिवर्तन करोगे इस बार? परिवर्तन एक समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में आएगी, मोदी में केंद्र रहेंगे, उनकी सरकार है भाई, आए दिन जिनकी जिनकी सरकार रहेगी कुछ भी लागू कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, केंद्र देख लीजिए। तो इस बार आप कह रहे हैं यूपी में परिवर्तन ही करोगे? जरूर, नया चेहरा। अरे भैया क्या गाना चल रहा है, क्या जो डरते हैं ना वो नहीं बोल पाते। अच्छा, हम डरते नहीं, हम युवा हैं, डरते क्यों हैं? डरते हैं लोग कि जेल में डर, मुकदमे से हम लोग नहीं डरते, मुकदमे तो ऐसे ही है, जो चुनाव लड़ जाएगा उसके लिए मुकदमा क्या है? लोग डरते हैं पीछे के मुकदमा हो जाएगा मेरे पीछे, मैं नहीं बोलूंगा, सब बोलना चाहते हैं मगर कोई नहीं डरता। सरकार उनकी कोई देखिए, समाजवादी के बड़े बड़े नेता है, कोई कॉलेज में नहीं आया क्योंकि डर, भैया सरकार उनकी है, कुछ बोलेंगे क्या? कह रहे हैं भाई डर लगते हैं क्या? डरते हैं, सबकी जिंदगी, हम लोग को क्या है, हम लोग को 1 महीने 1 साल जेल में रखेंगे, रखिए, हम लोग समाजवादी है, युवा नेता है भाई। कल अच्छा आप नेता हो? हाँ, मैं नेता मानता हूँ अपने आप को, नेता हूँ मैं मानता हूँ, मगर ये बोल रहे ना अभी यहाँ रेलिंग बनेगी 8 फीट की, देखिएगा आप कुछ दिन बाद आइएगा, यही लोग बोले जितने कैंट पे होते हैं ना, गाड़ी खड़ी होती फोर व्हीलर, जाके उनसे पूछिए कि क्या कहाँ खड़ी होगी, कहाँ ये होगी। इसलिए आप तो खैर पार्टी से है और आप पार्टी नहीं, ये पार्टी वाली बात नहीं है, बात ही आम जनता की बात है, ये समाज कोई राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ, बस सबकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जनता की भलाई के लिए कौन सी पार्टी कौन सी सरकार बनाएंगे? एक मिनट भैया बताओ, मुलायम को। अच्छा, समाजवादी जी, क्यों समाजवादी चाहते हो? मौजूदा सरकार तो कह रहे हैं कि सुरक्षा दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, चकाचक रोड बना दिया है, बारिश हो रहे हैं, इतनी महंगाई कर दिया, इतनी महंगाई में क्या होगा, गरीबों कहाँ से खाएंगे पिएंगे? इतने 200 रुपए किलो दाल कर दिया है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया है, 200 रुपए लीटर कड़ुआ तेल कर दिया, कहाँ से पब्लिक खाएगा? अमीरों तो खा लेंगे, गरीब मर जाएंगे, वो तो 100 ग्राम 10 ग्राम लेके जाएगा, उसका कहाँ पेट चलेगा? आप 5 किलो राशन देंगे उसको क्या फायदा है, क्या पूरा महीना खाएगा 5 किलो? आप खा लोगी? काशी कॉरिडोर बना दिया है, अयोध्या के मंदिर से नहीं, मतलब वो मंदिर है ना भगवान का बनाया है, पब्लिक का नहीं बनाया है वो, उसमें जेब में पैसा रहेगा। इस तरह को बना से मोदी जी आना सबको पता है, ये प्रयागराज में महिलाओं के लिए सौगात भी दे रहे, इतना सौगात देना वो सब पापड़ है, वो सब उनके आइडियाज है, जब चुनाव होते इतने दिन मुद्दे थे, इतने दिन मुद्दे रामलीला का मुद्दा चला, सुनिए मारा था रामलीला का मुद्दा चला, अब दूसरे चाचा देते हैं। कांग्रेस कह रहे हैं, कांग्रेस जिस तरीके से नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या उसी का विकल्प है महिला शक्ति की? नारी
जिस तरीके से अभी महिला शक्ति की बात कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब अपने अपने झूठे वादे करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो बड़े नेता हैं खाली बोलते हैं, मुंह पे आना फाड़ना। जो अभी पेपर लीक हुआ था ना, उन्होंने बोल दिया पेपर कब कराएंगे, ये 12 तारीख को 5 तारीख को ये आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कह रहे हैं। क्या भैया आप लोग भी क्या चाहते हो यूपी में? योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते क्या? हाँ, हाँ? हाँ। बदलाव नहीं, नहीं बदलाव क्या? अच्छा क्यों चाहते हैं? उन्होंने काम किया यूपी में? यूपी के बारे में हमको क्या मालूम, बहुत काम किया है। बहुत काम किया? क्या क्या काम किया? काशी में भी वास हुआ। अच्छा कॉरिडोर जो बनाया है जो बताइए। अच्छा, भैया पकड़ पकड़ के ला रहे हो, बोलेंगे भी नहीं बोलेंगे? अरे बोलो भैया, बोलिए। देखिए पब्लिक आपस में पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इतना सा क्या बोलना है? अच्छा मैडम जी सुनिए, हमारा रिक्वेस्ट है जितने ऑटो चालक है इन लोग का चलान को मतलब फालतू तरीके से न किया जाए, बस मोदी जी से यही निवेदन है। हाँ बस, और कुछ नहीं है। परेशानी है? परेशानी है, बाकी हम लोग को फालतू चलान न हो इसलिए। नहीं नहीं परेशानी नहीं है, वो तो सरकार इन्हीं का बनना चाहिए, मोदी जी का। इससे हम लोग नाराज इस बात के, जो हम लोग का पुलिस वाले यूपी वाले जो पुलिस वाले हैं वो फालतू का चलान करके हम लोग को परेशान कर देते। सुन सुन लो, पुलिस वाले किसके अंडर में आते हैं भैया? भाई आप लोग जानते हैं ना, किसके अंडर में आते हैं भाई? उन्हीं लोग के सरकार में आते हैं ना। गलत तरीके से गाड़ी खड़ा करेंगे। देखिए हमारा तीन दो चलान हुआ है जो मेरी बात सुनो, मैं समझते होगा। ये बताओ पुलिस वाले किसके अंडर में आते हैं? यूपी पुलिस। अब यूपी पुलिस जिसके अंदर में आते हैं, किसके अंदर? योगी जी के अंदर आएंगे, और किसके अंदर आएंगे मैडम जी? तो ये चलान वाला ने इतना कुछ काट रहा है तो कुछ गलत जगह गाड़ी खड़ा करके चलान कर देगा ये? तो आप लोगों की गलती है ना, गलत जगह? नहीं हम लोग मतलब चलते भी लोग को काट दे रहे हैं। गलती करेंगे तो भरेंगे ही ना। लेकिन योगी जी इससे बढ़िया कोई काम आज तक किया नहीं है। चलान नहीं होना चाहिए, ठीक है? अपने गलती भी मान लेते हैं। भैया ने योगी की बात बोली, योगी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है मैं मानता हूँ भैया योगी का, मगर युवाओं के लिए क्या काम कर दिया? छोड़ दीजिए, युवाओं के लिए क्या काम कर दिया भैया? युवा है कोई यहाँ पर? युवाओं से बात कर लेते हैं हम लोग। नेता जी चलिए क्या बोलना? नमस्ते भैया। नमस्ते। यूपी का सिंहासन किसके हाथ में देना चाहते हैं? मोदी जी। अच्छा हाँ। पीएम है मोदी जी, जिंदाबाद। सुनो तो भैया पीएम है मोदी, मोदी पीएम है, पीएम है। हाँ और सीएम किसको बनाना चाहते हैं? आदित्यनाथ योगी। अच्छा हाँ। किस मुद्दे पे? कौन सा मुद्दा लेना चाह रही हैं? अच्छा बता तो सारा मुद्दा, सारा मुद्दा, सारा मुद्दा। क्या क्या मुद्दा? तीन बता दीजिए। हम तीन मत पूछिए ना, हमको नहीं आता है, बस सारा मुद्दा बता दे। सब सब A to Z। सुना था A to Z में से कुछ तो आते होंगे ना? पहला हिंदुत्व। अच्छा हाँ, और दूसरा बताइए। बागी। बागी का मतलब समझा तू? बागी भोजपुरिया भाषा में कल जला बागी। मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो मत समझे ना, बाकी भाई लोग सब समझ रहा है। अच्छा और बताइए। और क्या बताओ, तीसरा क्या बताऊँ बताइए? मैं समझ गई हूँ। और क्या करते हैं? और क्या बताए बताइए? मैं तो समझ गया आप जो बोल रहे हैं। बस हो गया ना? और नहीं बताएंगे? नहीं अब नहीं बताएंगे। कुछ बताइए, और कुछ बताइए ना, भैया बोल रहे हैं। भैया तो बहुत कुछ बोलेंगे, हम बता दिए। और क्या आप जानना चाहते हैं उनके विषय में? वही तो कमाल का क्या क्या है? और अपने टेम्पू के बारे में तो कुछ बताओ कि टेम्पू के बारे में तो कुछ बताओ। अरे यार तो योगी सरकार बन रही है, योगी सरकार बनेगी मैडम कौन भी तरह से। फोन में भी बोल रहे हैं योगी सरकार बन रहे हैं क्या? हाँ योगी सरकार बन रही है। आप बोल रहे हैं भैया, बोल दे दो ना। हाँ योगी सरकार बन रही है। योगी सरकार ही बन रहे हैं कह रहे हैं भैया, बड़े मुस्कुरा रहे हो। भगवा पहन रखा है, हिंदुत्व की बात करते हैं मौजूदा सरकार। हमको नहीं आता उतना बोलने। कहाँ के रहने वाले हो आज? हम आपको उसे बुलवाएंगे। नहीं बनारस के रहने वाले। बनारस की? बनारसी बाबू हो है ना ये? बनारस इतना अच्छा जगह है कह रहे, स्मार्ट सिटी बन गया, बनाए स्मार्ट सिटी? कोशिश तो हो रहा है। कोशिश हो रहा है, हुआ नहीं अभी तक? अरे हुआ है लेकिन और ज्यादा बेहतर होने वाला। अच्छा, है और क्या हुआ है? हमारे हिसाब से तो ठीक ही चल रहा है, अभी जो भी कर रहे हैं। गाड़ी सही चल रही है? सही गाड़ी चल रही है? गाड़ी चल ही रहा है, ठीक ही चल रहा है। नेता वाले इनका सरकार आपस में तो नहीं टकरा रहे? शायद भाई टकरा सकते हैं।
चले ठीक है। हाँ जी भैया बताइए, वाह क्या कहेंगे कि यूपी में चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दे में क्या होना चाहिए, गाजीपुर बलिया बिहार जौनपुर भदोही सब मिल के सब कर रहे हैं, ठीक है योगी सरकार है मोदी जी सरकार है, भर्ती कब आएगी? हाँ, ये भी फिर से बेरोजगारी का ही मुद्दा है। हाँ चलिए बताइए, भर्ती तो दो साल से टल गई, एक साल 2018 में वैकेंसी मैंने देखा, नवंबर में 20 नवंबर को मैंने भर्ती देखा, दो साल बीत गई, उम्र तो ढल गई, तो भर्ती कब आएगी, कब नौकरी लगेगी? ये चीज पहला न्यूज ये है। और दूसरा चीज, जितने भाई हमारे सामने भर्ती सब देख रहे हैं, आर्मी के जवान भाई हैं, बीएसएफ के जवान भाई हैं, ना भर्ती आ रही है ना कुछ आ रही है ना? अब उसे मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है सरकार है अच्छी बात है, कोरोना है ये है वो है बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोरोना है कहाँ, देखा ना है कहाँ कोरोना, लॉकडाउन तो भी लग रहे लॉकडाउन भी लगने वाला है, आर्मी भर्ती आई ऑनलाइन करके छोड़ दिए, ना भर्ती लगी ना कुछ उम्र तो ढलने जा रहा है, अब क्या बताएं, यही बस कहना चाहते हैं सरकार। मेन बात आपका कहने का मतलब बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहे, बेरोजगारी है रोजगार तो मिल नहीं रही है, सरकार जिस हिसाब से वादा किया है वादा पूरा नहीं किया है, कुछ नहीं हो रहा है, आधार कार्ड भी नहीं बन रहे है, चलिए महीने में 3-4 बार आ रहे हैं, कितना पैसा खर्च, एक बार आने में बहुत सारे करोड़ रुपए खर्च होता है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोग बार बार कह रहे हैं, आप ये बेचते हैं कितना कमाई हो रहा है भैया, सब हुई बात हो गई थी बात नहीं, बात शुरू होगी अभी, अभी शुरू हो गई, चलिए बोलिए बताइए किसको जिताएंगे यूपी में? मोदी के सिवा कोई है नहीं माई का लाल, अच्छा मोदी के सिवा और कोई प्रशासन कोई मतलब ज्यादा, एक मिनट मोदी जी आपका बीजेपी, आप कह रहे बीजेपी आएगी हाँ? यूपी में तो योगी जी का सरकार है ना, हाँ तो योगी उन्हीं के भाजपा से ना है हाँ? हाँ? अच्छा तो आप किसको चाहेंगे, योगी जी को चाहते हैं, चलिए।